Hey everyone, today we will talk about normal probability distribution. Normal probability distribution होता क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, इसको कब यूज करते हैं, what are the common features of this distribution, और लास्ट में हम लोग करेंगे दो क्वेश्चन इस normal probability distribution के ऊपर, ताकि आपको समझ आ जाए कि normal probability distribution के ऊपर क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और एक्सेल में उनको कैसे सोल्व करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अभी तक हमने जितना पहले पढ़ा है वो सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में हो रहा था। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में चीज समझाऊंगा, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कोई भी एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू फाइनाइट नहीं है, मतलब that random variable can take any number of value, define नहीं है कि कौन सा, कि 10 value लेगा, 20 value लेगा, 50 value लेगा, कोई define नहीं है। उसका जो sample का जो range है, sample का range एक given range मिलेगा आपको, एक given range, but the value that random variable can take can be infinite, any number of values that random variable can take out of that given range। तो ऐसे distribution को जहाँ पे भी continuous random variable आता है, उस case में हम लोग continuous random variable वाला distribution use करेंगे। And normal probability distribution is one type of that distribution। Normal कब use करते हैं? जब continuous random variable use होता है, ठीक है? तो normal probability distribution को Gaussian distribution ही बोला जाता है, क्योंकि इसका जो curve आता है, वो Gaussian curve आता है, जिसको bell curve भी बोलते हैं। जो जितना भी हमने सैंपल लिया, अगर सैंपल के एवरेजेज को हम ले, इफ यू टेक डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन, द एवरेज ऑफ ऑल दोज सैंपल्स विल फॉलो सेंट्रल लिमिट थ्योरी। सेंट्रल लिमिट थ्योरी क्या बोलती है, कि द एवरेज ऑफ ऑल द सैंपल्स टेकन, उनका जो कर्व होगा वो बेल कर्व होगा, उसी के बेस पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, कि जो भी there will lie some symmetricity about the mean, showing that data near the mean are more frequent in occurrence than data far from the mean। कि जो हमने sample लिया है, उस sample में जो भी mean आया है, उस mean के आसपास जो data होगा वो ज्यादा होगा in comparison to the data जो far lie कर रहा है उस mean से। और mean से जितना दूर होते जाएंगे data उतना कम होता जाएगा, mean के जितना पास आते जाएंगे data उतना ज्यादा आता जाएगा। बस कहने का मतलब कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होगा वो एक गॉसियन कर्व होगा, वो एक बेल कर्व होगा। ठीक है, तो कॉमन फीचर्स क्या होते हैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, सिमेट्रिक अबाउट द सिंगल मीन। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बेल शेप कर्व आपको मिलेगा, तो उसका जो मीन होगा, मीन कहाँ लाई करेगा, मीन बिल्कुल मिडल में लाई करेगा, क्योंकि मिडल से 50% डेटा जो राइट होगा, 50% डेटा जो लेफ्ट होगा, दैट विल वी विल बी अज्यूमिंग दैट डेटा विल बी सेम। तो आप क्या सोच सकते हो कि मीन के अराउंड सिमेट्रिसिटी लाई करेगा हमारा कर्व। द टू टेल्स एक्सटेंड इनडेफिनेटली एंड नेवर टच द एक्सिस। जो उसके टेल्स होंगे दैट विल टेंड्स टू इनफाइनाइट, उसका कोई लेफ्ट में या राइट में कोई पर्टिकुलर वहां पे एक्सिस पे ये टच नहीं करेगा। और इसमें मीन और मीडियन और मोड इक्वल होते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि आप सपोज करो जब आपका बेल कर्व बन गया है, तो आपका मीन क्या होगा, एवरेज क्या होगा, एवरेज जो भी होगा, मीडियन भी वही होगा। मीडियन क्या होता है, टू मिडिल मोस्ट वैल्यूज का जो एवरेज होता है वो मीडियन होता है। तो मीडियन भी बीच में ही लाई करेगा। और मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरेंस, जिसका होता है जो वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर्ड होती है उसी को हम मोड बोलते हैं। तो मैंने बताया है कि मोस्ट ऑफ द डेटा विल लाई नियर टू द मीन, तो मीन पे जो डेटा होगा दैट विल बी द मोस्ट अकर डेटा। तो मोड भी आपका मीन के इक्वल ही होगा यहाँ पे। और एक इसमें जैसे कि हमने 24वें इनइक्वालिटी में पढ़ा है दैट 75% ऑफ द डेटा विल लाई, एटलीस्ट 75% द डेटा विल लाई विद इन द टू स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज। बट इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये चेंज हो जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, दैट 95% ऑफ डेटा मिनिमम 95% ऑफ डेटा विल लाई विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एंड माइनस। सिमिलरली 68% ऑफ द डेटा विल लाई विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 99.7% ऑफ डेटा विल लाई विद इन थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द मिनिमम वैल्यू 68, 95, 99.7। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। और इसको समझने के लिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए आपको ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए।
तो आई होप आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से चीजें समझ आ जाएगी। अच्छा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने के लिए, इसके क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कुछ कुछ जो वैल्यू चाहिए होती है, उनमें से एक है मीन, हिस्टोरिक मीन, हिस्टोरिक स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों चीजें हमें चाहिए होती है, और जो हमें निकालना है, ठीक है, एक वो वैल्यू चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे इसका फॉर्मूला देखते हैं, पहले एक बार आपको फॉर्मूला में दिखा देता हूँ एक्सेल में। जैसे आप नॉर्म टाइप करोगे, नॉर्म डॉट डिस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला एक्सेल में ये आ जाएगा, और इसका पैरामीटर आप देखोगे एक्स, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्यूमुलेटिव। एक्स क्या होता है? एक्स होता है द वैल्यू विच वी आर कैलकुलेटिंग। मीन क्या होता है? मीन है हिस्टोरिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज हिस्टोरिक स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम x का वैल्यू क्या है, पहले क्वेश्चन क्या है, ए रडार यूनिट इज यूज्ड टू मेजर स्पीड्स ऑफ कार ऑन ए मोटरवे, द स्पीड्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले डिफाइन कर दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना आपको, विद मीन ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कि जो एवरेज मीन है उस उन स्पीड स्पीड का जो मीन है, जो एवरेज है, वो 90 किलोमीटर पर आ रहा है, ये दिया हुआ है अपने को, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। कि मतलब क्या बोल रहा है ये, कि स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का क्या मतलब हो गया, कि मीन से 10 इधर भी हो सकता है, लेफ्ट में भी 10, राइट में भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्प्रेड है वो 10 का है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार पिक्ड एट रैंडम इज ट्रैवलिंग एट मोर देन 100 किलोमीटर। अब आपको निकालना है क्या, कि मोर देन 100 का आपको निकालना है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेशन बहुत ही कम बार करते हैं। अगर आपका सैंपल बहुत बड़ा है तो पॉइंट एस्टिमेशन यहाँ पे नहीं करेंगे हम, क्योंकि पॉइंट एस्टिमेशन का वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। क्योंकि आप सपोज करके चलो, अगर हम एक हम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका हाइट का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, तो उनका हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। देखिए, आप बोल सकते हो कि मिनिमम हाइट जो है वो 2-3 फीट होगी, मैक्सिमम हाइट होगी 7-8 फीट होगी, लेकिन उसके बीच में, विद इन दिस रेंज द वैल्यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यू, द रेंडम वेरिएबल कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यू। पॉइंट पॉइंट्स में भी जा सकता है, जैसे 5.5 फीट है किसी का, 5.56 फीट है किसी का, लेकिन 5.5 और 5.6 के बीच में भी देर आर इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हाइट किसी का कुछ भी हो सकता है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम पॉइंट एस्टिमेशन निकालने लग जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हाइट इज 5.65555555, तो ये पॉइंट एस्टिमेशन हो गया, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रू यूज करते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, एक्स का वैल्यू हो गया 100, ठीक है। मीन का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, मीन का वैल्यू हो गया 90। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हो गया 10, ठीक है। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्या होगा, क्यूमुलेटिव यहाँ पे होगा ट्रू, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेशन नहीं करना, हमने यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। एरिया कौन सा, जो 100 किलोमीटर का जो हमारा ग्राफ में एरिया होगा उसके राइट में जितना एरिया है, 100 के राइट में, 0 to 100 नहीं, 100 के राइट में जितना भी एरिया, वो टोटल एरिया का कैलकुलेशन हमें करना है। यहाँ पे हम लोग एरिया कैलकुलेशन करते हैं, ना कि पॉइंट एस्टिमेशन। फॉर्मूला सिमिलरली हम फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉर्म डॉट डिस्ट, एक्स का वैल्यू क्या है 100, ठीक है, मीन का वैल्यू क्या है 90, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या है 10, और क्यूमुलेटिव क्या करेंगे हम लोग ट्रू, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपके पास 84%, बट यहाँ पे हम लोगों ने 1 माइनस नहीं किया। जब हम 1 माइनस नहीं करेंगे तो हमने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया वो 100 या 100 से कम का किया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मोर देन 100, तो इसको इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, द टोटल एरिया अंडर द कर्व विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 माइनस दिस वैल्यू। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 15.86% चांसेस है कि स्पीड ऑफ कार जो है वो 100 से ज्यादा होंगी, ठीक है। चलिए एक एक सवाल और करते हैं इस पे। देखिए इस सवाल में क्या हुआ है, लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 12 मंथ। 12 महीनों का लाइफ है ऑन एवरेज उस इंस्ट्रूमेंट का, और 2 महीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो क्या चांसेस है दैट एन इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मशीन विल लास्ट लेस देन 7 मंथ। तो x का वैल्यू हो गया 7 मंथ, मीन का वैल्यू हो गया 12 महीने, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हो गया 2 महीने,
और क्यूमुलेटिव यहाँ पे भी क्या आएगा, क्यूमुलेटिव यहाँ पे ट्रू आएगा। बट आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमने निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल लास्ट लेस देन 7 मंथ, 7 और लेस देन 7 मंथ। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया जो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस नहीं करेंगे, उसके बिना ही डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, नॉर्म डॉट डिस्ट। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू क्या डालेंगे, हम मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं 7, मीन का वैल्यू क्या है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2 और क्यूमुलेटिव क्या है ट्रू। तो यहाँ पे आ गया, ये बहुत ही कम इसका वैल्यू आया है, 0.0062, और उसके बाद जो भी वैल्यू है, तो ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास, एंड दिस इज द वैल्यू जो इस क्वेश्चन की आएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये इन सोल्व क्वेश्चन को सोल्व करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इसको क्यों यूज करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं, और किस तरीके से एक्सेल में इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और क्या क्या डेटा हमें इसके लिए चाहिए होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल दोज डाउट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आ गया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।